नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था आमेर के कछवा वंश का, और आमेर के कछवा वंश में हमने मान सिंह के बारे में पढ़ा था। मिर्जा राजा मान सिंह तक के बारे में बात कर ली थी, और मिर्जा राजा मान सिंह के बाद उनका पुत्र शासक बनता है, उनके बाद भाव सिंह शासक बनेगा, और भाव सिंह की दोस्तों निसंतान मृत्यु हो जाती है 1621 में। तो भाव सिंह की निसंतान मृत्यु होने के बाद अगला जो शासक बनता है आमेर का, उसके बारे में बात करते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 में शासक बनता है, और 1667 तक इनका कार्यकाल था। इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि थी इनकी मिर्जा राजा। और ये उपाधि दोस्तों दी गई थी शाहजहां के द्वारा। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। इनके समकालीन जब ये शासक बनते हैं तो जहांगीर शासक थे, मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, और जहांगीर की सेवा में रहते हुए मिर्जा राजा जय सिंह को सबसे पहले जहांगीर ने अहमदनगर अभियान पर भेजा था। अहमदनगर अभियान ये इनका मुगलों की ओर से पहला अभियान था, मुगलों की तरफ से अहमदनगर अभियान, और ये मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया था। मलिक अंबर के विरुद्ध इनका प्रथम अभियान था। फिर जब ये गांधार अभियान पर भेजे जाते हैं, और इनको गांधार अभियान पर भेजा गया था शाहजहां के द्वारा, और इसी अभियान के दौरान जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। तो पूछा जाए कि राजा जय सिंह को आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा। और किस अभियान के दौरान? तो गांधार अभियान पर जाने के दौरान इनको ये उपाधि दी गई थी। फिर बात करते हैं कि जो मिर्जा राजा जय सिंह, इनको 1664 में औरंगजेब के द्वारा दक्षिण अभियान पर भेजा गया। औरंगजेब के द्वारा इन्हें दक्षिण अभियान पर भेजा गया, और ये जो दक्षिण अभियान था वो था दोस्तों किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध। शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर भेजा गया, और ये अभियान भेजा था किसने? औरंगजेब ने दक्षिण अभियान पर भेजा। अब इस अभियान में मिर्जा जय सिंह ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया, और जब शिवाजी को ऐसा लगा कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो इसमें मराठों को बहुत बुरी तरह से हानि होगी, इसलिए शिवाजी ने मिर्जा राजा जय सिंह के साथ एक संधि करते हैं, और उस संधि को कहा गया पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 11 जून 1665, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को होती है, और ये संधि होती है दोस्तों मिर्जा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। अब बात करेंगे इस संधि की, तो इस संधि की 3 शर्तें थी। संधि की 3 शर्तों के तहत, यानी जो पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य है, और इस संधि के तहत 3 शर्तें हुई थी। शर्त नंबर 1 तो ये थी इसकी
कि शिवाजी के पास कुल 35 दुर्ग थे और इन 35 में से जो सर्वाधिक आय वाले दुर्ग थे 23 दुर्ग, ये 23 दुर्ग मुगलों को वापस देने पड़े थे। यानी इस संधि की पहली शर्त के मुताबिक शिवाजी को जीते हुए 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को वापस देने पड़े। संधि की जो दूसरी शर्त ये थी कि शिवाजी बीजापुर राज्य के विरुद्ध मुगलों का साथ देंगे। तीसरी शर्त ये थी कि इस संधि के तहत शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजेंगे और इस संधि के तहत शिवाजी का पुत्र संभाजी मुगल दरबार में आगरा पहुंच जाता है। और एक बार शिवाजी अपने पुत्र संभाजी से मिलने के लिए आगरा गए तो वहां पर शिवाजी का अपमान किया जाता है और शिवाजी को उच्च मनसबदारों से भी से निम्न श्रेणी के मनसबदारों की श्रेणी में रखा गया। यानी जो उच्च श्रेणी के मनसबदार थे उनमें जगह न देकर निम्न श्रेणी के मनसबदारों में जगह देते हैं। उनसे पहले ये मिर्जा राजा जयसिंह था शिवाजी से पहले, तो जयसिंह को शिवाजी को वहाँ गुस्सा आ जाता है और उसी दौरान औरंगजेब ने इन पर आरोप लगाकर इनको बंदी बना लिया। और एक आगरा में थी राम सिंह की हवेली जयपुर भवन, राम सिंह की हवेली आगरा, वहाँ पर इनको बंदी बनाकर रखा जाता है और वहाँ से शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखोगे पुरंदर की संधि। उसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा जयसिंह को वापस दक्षिण अभियान पर भेजा शिवाजी का दमन करने के लिए। तो 1667 में फिर से मिर्जा जयसिंह शिवाजी का दमन करने जाते हैं और इस दौरान ये पहले बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से आगरा, लेकिन ये असफल होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 1667 में इनकी हत्या करवा दी गई थी, जहर देकर इनको मार दिया गया था, इनकी मृत्यु हो जाती है 1667 में। अब बात करते हैं कि जो मिर्जा जयसिंह थे, मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि, एक तो बात करेंगे हम बिहारी सतसई की या बिहारी जी। और एक दरबारी कवि थे इनके राम कवि। अब इनके दरबारी कवि थे बिहारी जी। बिहारी जी ने ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई और राम कवि ने ग्रंथ लिखा जय सिंह चरित्र। इन्होंने ग्रंथ लिखा जय सिंह चरित्र। बिहारी सतसई, ऐसा माना जाए कि बिहारी जी एक प्रसिद्ध दरबारी थे और मिर्जा राजा जयसिंह का विवाह होता है, लेकिन ये विवाह के बाद अपनी रानी के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि इन्होंने राजकार्य की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। इसलिए बिहारी जी ने इनको एक दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास इही काल, अली कली में सो बंदियो आगे कौन हवाल। और उस दोहे के द्वारा इनको अपनी वास्तविकता का ज्ञान करवाते हैं बिहारी जी और उसके बाद ये वापस राजकार्यों की ओर ध्यान देने लगे। ये इतने प्रसिद्ध कवि थे कि इनको प्रत्येक दोहे पर सोने की मुद्राएं दी जाती थी बिहारी जी को। और बिहारी जी के द्वारा ही जो आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग में जो शीश महल बना हुआ है, उस शीश महल को बिहारी जी ने दर्पण धाम कहा था। दर्पण धाम, शीश महल को दर्पण धाम बिहारी जी के द्वारा कहा गया था। दूसरे कवि थे राम कवि, राम कवि ने लिखा जयसिंह चरित्र। और एक था कुलपति मिश्र, ये था बिहारी जी का भांजा और ये औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में भी साथ जाता है कुलपति मिश्र। तो ये थे अपने मिर्जा राजा जयसिंह। एक बार फिर से ध्यान दोगे, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, इनका शासनकाल है 1621 से 1667 तक, उपाधि मिर्जा राजा की उपाधि, और ये उपाधि दोस्तों दी गई थी शाहजहां के द्वारा। फिर बात आती है कि मिर्जा राजा जयसिंह, इन्होंने तीन मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे, तीन मुगल बादशाहों की सेवा की थी। पहला था जहांगीर, दोस्तों जहांगीर 1605 में मुगल बादशाह बनता है, 1627 तक रहा था। फिर दूसरा शाहजहां, शाहजहां 1627 में शासक बनता है और 1658 तक शासक रहता है। और तीसरा था औरंगजेब, औरंगजेब
1658 से 1707 तक शासक रहेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो मिर्जा राजा जयसिंह था, इसको मुगलों के द्वारा सबसे पहले अहमदनगर अभियान पर भेजा गया था, और अहमदनगर अभियान मलिक अंबर के विरुद्ध था। ये मिर्जा जयसिंह का पहला अभियान था। उनके बाद इनका अगला अभियान होता है 1664 में दक्षिण अभियान, शिवाजी के विरुद्ध था ये अभियान। और इस अभियान के दौरान मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी का घेराव किया पुरंदर के किले में, और इसी दौरान संधि होती है, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होगी। संधि होती है 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। इस संधि की तीन शर्तें ध्यान रखोगे दोस्तों। पहली शर्त तो ये थी कि शिवाजी के पास जो 35 दुर्ग थे, इन 35 में से सर्वाधिक आय वाले 4 लाख वार्षिक होन आय वाले जो 23 दुर्ग थे, वो 23 दुर्ग मुगलों को वापस लौटाने पड़े। दूसरी शर्त ये थी कि संधि की शर्त के मुताबिक शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजेंगे, और तीसरी शर्त ये थी कि शिवाजी बीजापुर राज्य के विरुद्ध मुगलों का साथ देंगे। इन शर्तों के साथ संधि होती है। इस संधि के मुताबिक संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे, वो आगरा औरंगजेब के दरबार में आ जाते हैं, और वहाँ पर जब एक बार शिवाजी अपने पुत्र से मिलने आते हैं तो वहाँ पर औरंगजेब के द्वारा शिवाजी और संभाजी को बंदी बना लिया जाता है, और राम सिंह की हवेली जयपुर भवन आगरा में बंदी बना लिया जाता है, और यहाँ से शिवाजी एक षड्यंत्र बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। फिर शिवाजी की भाग जाने के बाद औरंगजेब फिर से मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण अभियान पर भेजते हैं, और उसी अभियान के दौरान वहाँ 1667 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी दरबारी कवि बिहारी जी और राम कवि बिहारी जी ने बिहारी सत्सई ग्रंथ लिखा। इनको प्रत्येक दोहे पर सोने की मुद्राएं दी जाती थी, और रामकवि के द्वारा जयसिंह चरित्र ग्रंथ लिखा गया। इनके अलावा एक और बात करेंगे हम जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माता माना जाता है मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था, और सवाई जयसिंह के द्वारा इस दुर्ग को पूर्ण करवाया गया था। ये इस दुर्ग को चिल्हे का टीला या इगल दुर्ग भी कहते हैं। चिल्हे का टीला या इगल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण रखी हुई है, और ये तोप डालने का सबसे बड़ा कारखाना भी यहीं था। इसे केवल एक बार परीक्षण के तौर पर चलाया गया था, जयबाण तोप को। चाकसू जयपुर में जाकर इसका गोला गिरा था, और जहां पर गोली राव तालाब बन जाता है। फिर बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के बाद इनके पुत्र शासक बनते हैं राम सिंह। ये राम सिंह वही थे जिनकी हवेली में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर रखा गया था। दोस्तों ये जो राम सिंह के बारे में ध्यान कि ये केवल औरंगजेब के समकालीन था, और जब औरंगजेब का अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, यहां पर हम एक युद्ध की बात करेंगे। कि मुगल बादशाह शाहजहां ये 1658 में बीमार होता है, 1658 में बीमार हुआ, और इसके 4 पुत्र थे, दारा सिको, सुजा, मुराद और औरंगजेब। 1658 में जब शाहजहां बीमार हुआ तो इनके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ।
जनता भी चाहती थी कि दारा सिंह को शासक बने और शाहजहां भी इसी का साथ दे रहा था। शाहजहां की शाही सेना भी दारा सिंह के साथ थी क्योंकि दारा सिंह पढ़ा लिखा विद्वान था। इसे अकबर द्वितीय भी या लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है और पहला युद्ध होता है दोस्तों धर्मत का युद्ध। धर्मती स्थान है उज्जैन। धर्मत का युद्ध उज्जैन मध्य प्रदेश 1658 में। धर्मत का युद्ध, सामगुड़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, दौराई का युद्ध, ऐसे ये उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं इन सभी में। तो इससे जो धर्मत का युद्ध होता है, इस युद्ध में राम सिंह और इनके पिता जो मिर्जा राजा जय सिंह थे, इन्होंने औरंगजेब इसका दारा सिखों का साथ दिया था, लेकिन औरंगजेब की जीत होती है इस युद्ध में। यानी इन युद्धों में औरंगजेब की जीत होती है और औरंगजेब इस इन उत्तराधिकार युद्धों में जीतने के बाद मुगल बादशाह बनता है और इसने लगभग अपने भाइयों को, सभी भाइयों को मरवा दिया था। दारा सिखों को दिल्ली ले जाकर मृत्युदंड दे दिया था दौराई युद्ध के बाद, दौराई या देवराई युद्ध के बाद। धर्मत युद्ध के बाद इसका औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ था और दौराई युद्ध के बाद दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में, और पहला राज्याभिषेक होता है इसका औरंगजेब का आगरा में। तो यहाँ ये भी ध्यान रखोगे कि इस दारा सिखों का साथ दिया था मिर्जा राजा जय सिंह ने और उस समय साथ गए थे राम सिंह भी। तो राम सिंह, इनके अलावा और कोई विशेष नहीं था राम सिंह के बारे में। इसी राम सिंह की हवेली आगरा में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर रखा गया था। फिर बात करते हैं कि राम सिंह के दरबारी कवियों की। तो राम सिंह के दरबारी कवियों में दलपति राम, और दलपति राम ने लिखा था चगता पादशाही। इनके अलावा कुलपति मिश्र, इन्होंने रस रहस्य ग्रंथ लिखा था, ये कुछ इनके दरबारी कवि थे, इनके बारे में ध्यान रखोगे। इनके बाद राम सिंह के बाद में दोस्तों अगला शासक बनता है बिशन सिंह। बिशन सिंह आमेर दुर्ग की या आमेर की किलेबंदी करने वाला, आमेर की सैन्य किलेबंदी करने वाला शासक था। इसने आमेर की सैन्य किलेबंदी की थी और कोई विशेष नहीं था बिशन सिंह में। और बिशन सिंह के बाद जो अगले शासक बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं सवई जय सिंह। सवई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय, ये था इनका कार्यकाल। फिर बात करते हैं इनकी उपाधि। उपाधि दोस्तों एक तो थी सवई राजा और एक कहते हैं इनको चाणक्य राजा। सवई राजा की उपाधि ये दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। इस सवाई का मतलब होता है सिवाय, यानी ऐसा माना जाता है कि सवाई जय सिंह एक बार औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और इनकी वाक्पटुता से ये काफ़ी प्रभावित होते हैं। इनके हाजिर जवाबी थी, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने कहा कि आप तो जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उससे भी बढ़कर हो, उससे भी सिवाय हो, और इस प्रकार से इनकी उपाधि पड़ जाती है सवाई राजा की उपाधि। चाणक्य राजा ये दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप ज़्यादा करते थे, इसलिए इन्हें चाणक्य राजा के नाम से भी जाना जाता है। सवाई जय सिंह दोस्तों शासक बनने के बाद, सवाई जय सिंह शासक बनते हैं और शासक बनने के बाद इन्होंने काफ़ी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे जोधपुर था, बूंदी राज्य था, और भी कई राज्य थे जिनके मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। अब बात करते हैं कि सवाई जय सिंह शाह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, 7 मुगल बादशाहों के समकालीन। ये औरंगजेब से लेकर रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह तक
सात मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह है। दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। औरंगजेब के पुत्रों की बात करें तो इनमें मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अकबर और सुल्तान, ये इनके पुत्र थे, औरंगजेब के पुत्र। और इनमें उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध होता है, इन दोनों भाइयों के मध्य युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं जाजऊ का युद्ध। 1707 में जाजऊ का युद्ध होता है, जाजऊ युद्ध या जाजऊ का युद्ध। और इस युद्ध में सवाई जयसिंह के द्वारा इस आजम का साथ दिया गया था। आजम का साथ देते हैं सवाई जयसिंह और जीत तो जाती किसकी, मुअज्जम की। अब मुअज्जम जीतने के बाद बहादुर साहब प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। बहादुर साहब प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना, सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला मुगल बादशाह, लगभग 65 वर्ष की आयु में शासक बना था। इसलिए राजकार्य की ओर ध्यान नहीं देकर इसने मिलनसार स्वभाव की नीति अपनाई, इसलिए इसे साहिब ए खबर भी कहते हैं। साहिब ए खबर के नाम से भी जाना जाता है बहादुर साहब प्रथम को। अब बहादुर शाह जफर सवाई जयसिंह से नाराज हो गया कि इसने इस उत्तराधिकारी ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, इसलिए इस बहादुर शाह ने आमेर पर आक्रमण किया और आमेर को जीत लिया। आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया, आमेर को जीत लेता है। अब ये सवाई जयसिंह अमर सिंह द्वितीय, ये आमेर का शासक था, ये मेवाड़ का शासक था और एक था अजीत सिंह, और ये अजीत सिंह शासक थे दोस्तों मारवाड़ के। अब इन तीनों के मध्य जयसिंह, अजीत सिंह वगैरह ये शासक बनने के लिए प्रयासरत थे, तो इन तीनों की मुलाकात होती है दोस्तों एक स्थान पर, देवारी नाम के स्थान पर। और देवारी नाम के स्थान पर इन तीनों के मध्य ये फैसला हुआ कि हमें मिलकर मुगलों का सामना करना चाहिए। और यहां पर इस अमर सिंह ने कहा कि अगर जयसिंह मेरी पुत्री चंद्रकुमारी से विवाह कर ले तो मैं इसका साथ दे दूं, लेकिन मेरी पुत्री चंद्रकुमारी से उत्पन्न संतान ही आमेर का भावी शासक बनेगी। इस प्रकार से अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह कर दिया सवाई जयसिंह के साथ। थोड़े समय बाद अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह कर दिया जयसिंह के साथ। अब इस चंद्रकुमारी से 1727 में जन्म होता है माधो सिंह का। और इधर सूरज कंवरी से जन्म होता है 1723 में ईश्वरी सिंह का। अब इस देवारी समझौते के मुताबिक शासक बनना चाहिए आमेर का माधो सिंह, लेकिन बड़ा होने के नाते बनना चाहिए शासक कौन, ईश्वरी सिंह। इसलिए इस समझौते के बाद या जयसिंह की मृत्यु के बाद आमेर में गृह क्लेश हुआ था और इस गृह क्लेश का कारण यही था। तो देवारी समझौता दोस्तों, देवारी स्थान है उदयपुर में, देवारी समझौता तीन शासकों के मध्य हुआ, सवाई जयसिंह, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह राठौड़ जो जोधपुर मारवाड़ के शासक थे, इन तीनों के मध्य हुआ था।
सीधी बात होती है देहबारी समझौते की। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो सवाई जय सिंह था, इसने बूंदी राज्य की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया था। एक बार दोस्तों इसको फिर से समझोगे, फिर आगे बात करते हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय का शासनकाल 1699 से 1743 तक था। उपाधि सवाई राजा की उपाधि, और ये दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। चाणक्य राजा दूसरे राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करने कारण इसे चाणक्य राजा भी कहते हैं। साथ मुगल बादशाहों के समकालीन रहा, औरंगजेब से लेकर रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, और उस उत्तराधिकार युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, लेकिन मोजम शासक बना, इसलिए मोजम ने आमेर पर आक्रमण कर दिया और आमेर को जीतकर मोमिनाबाद कर दिया और आमेर की गद्दी दे दी जय सिंह के भाई विजय सिंह को। इधर ये मोजम शासक बन जाता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, और बहादुर शाह प्रथम की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, तो ये वापस शासक बन जाता है सवाई जय सिंह। फिर बात होती है देवारी समझौते की। तो देवारी समझौता ध्यान रखोगे, जय सिंह, अमर सिंह और अजीत सिंह तीन शासकों के मध्य हुआ था, और इस समझौते के मुताबिक या समझौते के तहत अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह जय सिंह से इस शर्त पर किया कि चंद्रकुंवरी की से उत्पन्न संतान ही आमेर का भावी शासक बनेगी। इधर अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरजकंवरी का विवाह कर दिया, और सूरजकंवरी से सबसे पहले जन्म होता ईश्वरी सिंह का, और इधर चंद्रकुंवरी से जन्म हुआ माधो सिंह का। इसलिए इन दोनों भाइयों में, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। फिर बात करते हैं हम ये सवाई जय सिंह, इनकी बहन का नाम था अमर कुमारी। सवाई जय सिंह का बूंदी रियासत में हस्तक्षेप। सवाई जय सिंह की बहन थी अमर कुंवरी। और अमर कुंवरी का पति बुद्ध सिंह हाड़ा ये बूंदी का शासक था। बूंदी शासक बुद्ध सिंह हाड़ा, यानी सवाई जय सिंह का बेड़ोई था, और इनके कोई संतान नहीं थी, ये थे निसंतान। इसलिए सवाई जय सिंह ने करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बुद्ध सिंह आड़ा को गोद दे दिया। करवड़ का जागीरदार था सालिम सिंह, और सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को अपने बहनोई को गोद दे दिया कि आपकी मृत्यु के बाद आपका उत्तराधिकारी दलेल सिंह बनेगा। अब अमर कुंवरी यानी बुद्ध सिंह आड़ा को बुढ़ापों में संतान की प्राप्ति हो जाती है, और इन दोनों से के उम्मेद सिंह, इनके पुत्र उम्मेद सिंह का जन्म होता है। इसलिए सवाई जय सिंह को चिंता होगी, भाई ये तो अपने पुत्र को शासक बनाएंगे। और इधर सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया दलेल सिंह के साथ। पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह से कर दिया। इसलिए सवाई जय सिंह ने कहा कि मेरा दामाद दलेल सिंह ही हर हाल में बूंदी का शासक बनेगा, उम्मेद सिंह नहीं बनेगा। इसलिए अमर कुंवरी अपने भाई सवाई जय सिंह की इस कटुता को समझ गई, और इससे अमर कुंवरी ने मराठा मल्हार राव होलकर को राखी भेजकर अपना भाई बनाया, और होलकर को सहायता के लिए बुलाया, और इस होलकर ने बूंदी पर आक्रमण किया, दलेल सिंह को पराजित किया,
इस प्रकार से अपने राजपुताने में सबसे पहले मराठों का आगमन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राजपुताने में मराठों का आगमन किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले होता है बूंदी में, और इस जयसिंह की राजनीतिक तुच्छता का परिणाम माना जाता है कि अगर जयसिंह इस राजनीतिक तुच्छता जैसी ये हरकत नहीं करता तो अपने राजपुताने में मराठों का आगमन नहीं होता। और बाद में मराठों ने अपने राजपुताने की बहुत सारी रियासतों को लूटा, बहुत सारी रियासतों में हस्तक्षेप किया उसने मराठों ने। इनके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि जोधपुर का शासक था अभय सिंह, और इनके पुत्र बखत सिंह यानी सवाई जयसिंह ने मारवाड़ राज्य की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया, और अभय सिंह राठौर बखत सिंह इनको गंगवाना के युद्ध में पराजित किया। गंगवाना युद्ध 1741, इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने पराजित किया इनको। ये जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। अभय सिंह ये वही हैं, अभय सिंह राठौड़, जिनके शासनकाल में खेजरली की घटना हुई थी। खेजरली का जो चिपको आंदोलन है वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, अगस्त 1730 में हुआ था शायद, वो इनके समय की घटना थी, खेजरली की का चिपको आंदोलन। इनके अलावा सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर बसाया गया था। जयपुर की स्थापना, दोस्तों जयपुर नवंबर 1727, नवंबर 1727 में जयपुर बसाया गया था। इसका प्राचीन नाम था जयनगर। प्राचीन नाम जयनगर। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार थे, और इसके नीमकर्ता पंडित सम्राट जगन्नाथ भट्ट। इनके द्वारा इसकी जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। नींवकर्ता पंडित जगन्नाथ भट्ट के द्वारा जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। इनके अलावा दोस्तों जो जयपुर शहर बसा हुआ है, यानी जयपुर शहर का जो बाहरी वास्तुकार था वो था दोस्तों मेलकम स्पीड। मेलकम स्पीड, जबकि जो वर्तमान जयपुर है इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है जयपुर के अंतिम शासक सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय के जो ये सवाई मानसिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री, उनके द्वारा मिर्जा इस्माइल के द्वारा, मिर्जा इस्माइल के द्वारा बसाया गया था, और उन्हीं के नाम मिर्जा इस्माइल के नाम पर जो एमआई रोड है उसका नाम भी रखा हुआ है। तो जयपुर शहर बसाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। और अभी हाल ही में जयपुर नगर के परकोटे को, जो जयपुर नगर का परकोटा है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2019 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर किया गया है जयपुर नगर के परकोटे को। दोस्तों जयपुर नगर के परकोटे के बारे में बिशप हेबर ने कहा था, बिशप हेबर ने कहा था कि यह क्रेमलिन, क्रेमलिन ये रूस में है, यह क्रेमलिन की तरह बसा हुआ है। क्रेमलिन शहर रूस मास्को, उसकी तरह बसा हुआ है जयपुर नगर का परकोटा। ये जयपुर के बारे में कहा गया था। इनके अलावा दोस्तों जो सवाई जयसिंह थे, सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला,
सौर वेधशाला या जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और ये 5 जगह बनवाई गई थी, दिल्ली, उज्जैन, काशी, मथुरा और जयपुर में। ऐसे ये 5 जगह सौर वेधशालाओं, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन वगैरह करने के लिए इनका निर्माण करवाया गया था। इनमें सबसे प्राचीन दिल्ली और सबसे प्रसिद्ध है जयपुर। इससे जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, 2010 में की गई थी। इनके अलावा सवाई जय सिंह के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए एक शुद्ध सारणी बनाई गई थी और इसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा गया था। जीज मोहम्मद शाही, क्योंकि उस समय भारत का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, और उसके नाम पर जीज मोहम्मद शाही उसका नाम रखा गया था। इनके अलावा जय सिंह कारी का ग्रंथ लिखा, ये ज्योतिष विद्या पर आधारित था। जय सिंह कारी का ग्रंथ ये सवाई जय सिंह ने स्वयं लिखा था, ये ज्योतिष विद्या पर आधारित था। इनके अलावा दोस्तों बात करें हम इस जयपुर वाले जंतर मंतर की, तो इसमें राम यंत्र, राम प्रकाश यंत्र वायु परीक्षण वगैरह करने के लिए रखा हुआ है। इनके अलावा सम्राट यंत्र, ये एक सूर्य घड़ी थी जो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी थी, सम्राट यंत्र, ये भी इसी में रखा हुआ, जयपुर की जंतर मंतर सौर वेधशाला में रखी हुई है। इनके अलावा सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ, और अश्वमेघ यज्ञ में आए हुए पंडितों को ठहराने के लिए जल महलों का निर्माण, आमेर के जल महलों का निर्माण करवाया गया था। आमेर के जो जल महल हैं मानसागर तालाब पर बने हुए हैं, इन महलों का निर्माण भी सवाई जय सिंह के समय हुआ था। इस अश्वमेघ का पुंडीकर रत्नाकर ये इसके पंडित थे। इनके अलावा जो जयपुर के महल हैं, जयपुर के जो प्रसिद्ध महल हैं, उन महलों में इस यज्ञ का आयोजन वगैरह किया गया था। सिटी पैलेस महल हैं उनमें आयोजन किया जाता है इसका। 1743 में सवाई जय सिंह की रक्त विकार से मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ होता है और इनका यही कारण आगे चलकर ग्रह क्लेश का कारण होता है। तो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, इससे आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। अब दोस्तों जल्द ही आपके लिए जितने भी अपने टॉपिक पढ़ लिए हैं उन सभी की प्रश्नोत्तरी भी लेकर आ रहे हैं। इनमें टॉपिकों में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह बनेंगे उनको व्याख्या सहित आपके सामने पेश करेंगे, तो पढ़ते रहिएगा लगातार। धन्यवाद।